अरे मेरी बेटी बहुत रो रही है और दूध भी खत्म हो गया है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं? चलती हूँ किसी से मदद मांग लेती हूँ। साहब मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे पास पैसे ही नहीं है इसे दूध पिलाने के लिए, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को दूध पिला सकूं। ठीक है, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुझे मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। जा पहले मेरे खेतों में काम कर, उसके बाद मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है साहब। बेटा तू यहीं लेटी रह, तब तक मैं खेतों का काम खत्म कर लेती हूँ। अरे मेरी बेटी तो बहुत रो रही है, जल्दी से खेतों का काम खत्म करके चलते हैं, मालिक से पैसे लेकर इसे दूध पिला देती हूँ। साहब मैंने खेतों का सारा काम कर दिया, आप पैसे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को दूध पिला दूँ। ठीक है, ये लो पैसे। अब मैं अपनी बेटी को भरपेट दूध पिलाऊंगी। मान बेटा जल्दी आओ, तुम्हें स्कूल पे छोड़ के मुझे काम पे भी जाना है। माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ काम पे जाऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मम्मी वो मान रुको, तुम स्कूल के अंदर कहाँ आ रहे हो? मैंने मना किया था ना, जब तक तुम स्कूल का फीस नहीं जमा करते तुम स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, चलो जाओ यहाँ से। इसीलिए मैं आज के बाद से स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा मेरा कल ही पगार मिला था, चलो मैं तुम्हारे स्कूल का फीस भर देती हूँ। और हाँ, तुम स्कूल जाने की कभी बात मत करना, तुम्हें मेरी तरह दूसरों के खेतों में काम ना करना पड़े, इसलिए मैं तुझे स्कूल भेजती हूँ। सॉरी माँ, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। चलो माँ। चलो बेटा। बेटा तू रो मत, मेरे बिस्किट बिक जाएंगे तो मैं तुम्हें भर पेट दूध पिला दूंगी। ए लड़की, एक पैकेट बिस्कुट दे दे। ठीक है भैया, ये लीजिए भैया। भैया मेरे पैसे। तू मुझसे पैसे लेगी? तू मुझे जानती नहीं है, चल भाग भिखारी कहीं की। बाबू मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तुझे दूध कहाँ से पिलाऊं? कैसे कैसे लोग पड़े हैं, मैं इन गरीबों की मदद कर देती हूँ। बहन ये मुझे एड्रेस बता सकती हैं क्या? हाँ बहन, आगे से राइट चले जाइएगा। ठीक है। बेटा तू रो मत, ये लो बिस्किट खा लो। अरे इतने सारे पैसे? अरे इतने पैसे में तो मैं अपनी बेटी को भरपेट दूध पिला दूंगी और मैं भी खाना खा लूंगी। चलो बेटा घर। क्या है बोलो? मालकिन हमें काम मिल जाएगा क्या? नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मालकिन रख लीजिए ना। एक बार में नहीं समझ में आता है क्या? क्या हुआ दीदी? देखो ना भाई, काम के लिए जिद कर रही है, वैसे भी हमारे घर में काम की कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब रख लीजिए, मैं पैसे भी नहीं लूंगी। रख लीजिए ना दीदी, वैसे भी पैसे भी नहीं लेगी और आपके कामों में हाथ बटा देगी। ठीक है चलो। साहब ये लीजिए पानी। मालकिन ये लीजिए कपड़े, मैंने प्रेस कर दिए। मालकिन एक महीना पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा फिला तुम एक बात बताओ, तुम हमारे यहाँ एक महीनों से काम कर रही हो और तुमने अभी तक एक रुपए भी नहीं लिया, ऐसा क्यों? अरे दीदी ये पर्स तो आपका है, फिला के पास कैसे आया? मालिक एक महीने पहले। अरे मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आपके पर्स वापस नहीं की। वहीं कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ एक महीने काम किया। आज तो एक बात समझ में आ गई फिला, कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज भी इंसानियत जिंदा है।